नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र सिंह हूं। आप देख रहे हैं फोर्थ आई न्यूज़। आज हम बात कर रहे हैं सीएम भूपेश बघेल के भेंट मुलाकात कार्यक्रम के बारे में, जहां पर सीएम भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं और छात्रों से वे कहते हैं कि वे अंग्रेजी में बोले। ये खास तौर पर इसलिए प्रचारित किया जा रहा है क्योंकि सरकारी आत्मानंद जो स्कूल है वहाँ पर जो पढ़ रहे बच्चे उनका टेस्ट लिया जा रहा है, एक तरीके से इंग्लिश टेस्ट लिया जा रहा है। तो आज हम एक ऐसी ही छात्रा से आपको मिलवा रहे हैं जिसने सीएम भूपेश बघेल की छत्तीसगढ़ी में सवालों के अंग्रेजी में किस तरीके से जवाब दिए वो आप सुनिएगा। तो स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी जिसको हम शुरू करें, मैं तो छत्तीसगढ़ी पूछूं सवाल और ते अंग्रेजी से जवाब। क्या नाम है नोनी? माय नेम इज प्रीति साहू। कहाँ रहते हैं? पिथौरा। और कौन स्कूल में पढ़ता? कहाँ? स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल। अच्छा, ये बता पहले कब का फीस पटाते हैं? पहले 80,000 इन अ प्राइवेट स्कूल। 80,000? अरे बोल कब का देवे बता। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत महासमुंद जिले के खल्लारी पहुंचे हुए थे। यहां जब वो चौपाल लगाकर लोगों से संवाद कर रहे थे तभी एक स्कूली छात्रा ने उनसे बात की। उसने मुख्यमंत्री को बताया कि वो पिथौरा में स्वामी आत्मानंद स्कूल की कक्षा 12वीं की छात्रा है। इस छात्रा का नाम कृति साहू है। उसने मुख्यमंत्री से अंग्रेजी में ही बात के साथ कहा कि उसका स्कूल भले ही सरकारी है मगर यहाँ वो हर फैसिलिटी उपलब्ध है जो किसी प्राइवेट स्कूल में होती है। इस पूरी वार्तालाप के दौरान एक समय ऐसा भी आया जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छात्रा से उसकी फीस के बारे में पूछा तो छात्रा ने कहा कि पहले वो 80,000 रुपये प्राइवेट स्कूलों की फीस देती थी, जिस पर सीएम ने चुटिले अंदाज में कहा कि अब बताओ हमें कितने पैसे दोगी। इस पर सब हंसने लगे। सीएम ने छात्रा की अंग्रेजी की तारीफ की, क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। मैं तो छत्तीसगढ़ी पूछूं सवाल और ते अंग्रेजी से जवाब, ठीक है? नहीं का क्या नाम है नोनी? माय नेम इज प्रीति साहू। कहाँ रहते हैं? पिथौरा। और कौन स्कूल में पढ़ता? कहाँ? स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल। अच्छा, गांव कौन से? तो पिथौरा। पिथौरा वही स्कूल है? हाँ। अच्छा, तो दाई के सामने क्या काम करते हैं? My father is a teacher and my mother is a housewife. अच्छा, तुर स्कूल ते कौन कक्षा में पढ़ता था? तुर स्कूल के बारे में बता। I am studying in class 12 and in our school there are too many facilities. As it is a government school, it doesn't seem like a government school. In our school there are bio lab, computer lab, physics lab, chemistry lab. Every facilities are available. Sir, and the first thing is that we are studying in government school. But every facilities are given in free of cost. No money is required. अच्छा, ये बता पहले कब का फीस पटाते हैं? पहले 80,000 in a private school. 80,000? अरे बोल कब का देवे बता। 80,000 बता दे कब का देगा। आपको बता दें कि इसी साल सीएम ने प्रदेश के जिन इलाकों में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं थे वहां भी उनके खोलने की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के बाद 76 नए स्कूलों के खुल जाने से राज्य में स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों की संख्या 171 से बढ़कर 247 हो जाएगी। वहीं इसी के साथ राज्य में 32 स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिंदी माध्यम विद्यालय संचालित हैं। वैसे आप इस छात्रा की अंग्रेजी और स्वामी आत्मानंद स्कूलों में पढ़ाई की गुणवत्ता पर क्या राय रखते हैं? अपनी बात हम तक कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर पहुंचाएं। बने रहिए फोर्थ आई न्यूज के साथ। नमस्कार। तो सीएम भूपेश बघेल लगातार अपने भेंट मुलाकात कार्यक्रम में इस तरीके के संवाद बच्चों के साथ कायम करते रहते हैं और कई बार ये बड़े रोचक भी हो जाते हैं, जो लोगों को पसंद भी आते हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी लगता है कि ये प्रायोजित है। इस बारे में आपका क्या कहना है नीचे हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। तो स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी जिसको हम शुरू करें, मैं तो छत्तीसगढ़ी पूछूं सवाल और ते अंग्रेजी से जवाब। क्या नाम है नोनी? माय नेम इज प्रीति साहू। कहाँ रहते हैं? पिथौरा। और कौन स्कूल में पढ़ता? कहाँ? स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल। अच्छा, ये बता पहले कब का फीस पटाते हैं? पहले 80,000 इन अ प्राइवेट स्कूल। 80,000? अरे बोल कब का देवे बता।